स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? गिनती पढ़ रहे। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? स्वर, व्यंजन और अभी गिनती पढ़ते हैं, है ना? तो गिनती में हमने पिछली क्लास में क्या सीखा? नंबर 6 मतलब 6। हमने क्या सीखा पिछली क्लास में? 6। तो आज हम नंबर 7 लिखने वाले हैं। 7 को हिंदी में क्या कहेंगे? 7। तो नंबर 7 कैसे लिखना है? तो उसके लिए आपको अपनी नोटबुक निकाल लेनी है और उसमें हर बार की तरह लाइन बना लेनी है। एक पेज में 2 लाइन बना के 3 बॉक्स बन जाएंगे और उसमें हम अपना नया नंबर सीखेंगे आज, जो कि है 7। तो पहले एक बार गिनती पहले से शुरू करते हैं जो हमने सीखा है उधर तक, ठीक है? तो मैं बोलूंगी, आप लोग पीछे पीछे बोलोगे। तो पहला कौन आएगा? एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छः, छः। हमने 1 से लेके 6 तक सीख लिया और आज जो सीखेंगे वो नंबर 7 मतलब 7। तो 7 को कैसे लिखना है शुरू करते हैं। ध्यान इधर दोगे और पहले देखोगे, समझोगे और उसके बाद अपनी बुक में कॉपी करते जाओगे और बोलते भी जाओगे ताकि आसानी से नंबर की पहचान हो जाए। तो उसके लिए नोटबुक निकाल के तैयार हो जाओ। अभी हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे आज? नंबर 7। मैथ्स में हम लोग नंबर 7 ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना? ये मैंने क्या लिखा? नंबर 7। और इसको अभी हिंदी में लिखना है तो कैसे करेंगे? एक यू बनाया, एबीसीडी में यू बनाते हो वैसे यू बना दिया और एक तरफ ऊपर की तरफ हाफ सर्कल बन गया नंबर 7। सिंपल है पर थोड़ा ध्यान से तो आसानी से लिखना आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अभी कैसे लिखना है 7 वो शुरू करते हैं। तो ध्यान इधर कैसे करेंगे? बड़ी वाली ब्लू लाइन में हम लिखेंगे पीछे से लेके आगे की तरफ। इधर ऊपर की लाइन से शुरू करके कर्व बनाया और आधा छोड़ दिया, ऊपर टच नहीं करना है लाइन को, थोड़ा छोड़ देना है। और जो लाइन हमने ऊपर टच किया है उधर हाफ सर्कल बन गया 7। एक बार फिर पहले उल्टा कर्व बनाएंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे, आधे तक छोड़ देंगे और फिर जो ऊपर की लाइन को टच किया है उधर से हाफ सर्कल बन गया 7। ऐसे ही नीचे लिखते जाएंगे, कर्व बनाया, दूसरी तरफ आधा छोड़ दिया और ऊपर की तरफ हाफ सर्कल बन गया नंबर 7। ऐसे ही पहले उल्टा कर्व बनाते हैं, फिर सीधा कर्व आधा लेके छोड़ देना है, ऊपर की लाइन को टच करके जो कर्व बनाया उधर हाफ सर्कल बन गया नंबर 7। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे, पूरा लाइन फिनिश करेंगे और बोलते ही जाएंगे ये है नंबर 7। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन में भी लिखेंगे, ऊपर की तरफ टच करके उल्टा कर्व बनाएंगे और सीधा कर्व आधे तक लेके छोड़ देना है और जो कर्व हमने ऊपर की लाइन को टच किया है उधर से उल्टा कर्व छोटा सा बना देंगे तो बन गया 7। ऐसे ही फिर एक बार एक का उल्टा बनाओ और दूसरा का आधा बनाओ
और जो का बड़ा वाला बनाया है उधर हाफ सर्कल, तो बन गया 7। ऐसे ही नीचे नीचे हम लोग लिखते जाएंगे। एक कर्व बनाया, फिर उसी को ऊपर तक लेके आधा लेके छोड़ देना है, और जो ऊपर बड़ा वाला कर्व बनाया उधर हाफ सर्कल, तो बन गया 7। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे। कर्व बनाना है, हाफ सर्कल लेना है, पूरा सर्कल नहीं बना देना है। हमने एक कर्व बड़ा बनाया और उसको ज्वाइन करते ही ऊपर लेके जाएंगे लाइन को, और आधे तक लेके छोड़ देना है। फिर जो बड़ा कर्व है उधर हाफ सर्कल बना देते हैं, तो बन गया 7। ऐसे ही हम लोग पूरा लाइन फिनिश कर देंगे और बोलते ही जाएंगे क्या लिखे हमने 7। ऐसे ही थर्ड लाइन में भी पहले देखो उल्टा कर्व बनाया, फिर छोटा सा सीधा कर्व बनाना है, फिर ऊपर जो बड़ा कर्व बनाया था उधर हाफ सर्कल, बन गया 7। एक कर्व बनाया उल्टा, एक सीधा कर्व बनाया, उसको आधे तक से किया है, और जो बड़ा कर्व बनाया उधर हाफ सर्कल, तो बन गया 7। यानी कि आपको बड़ा सा सर्कल बनाना है और उसको आधे में छोड़ देना है, ऊपर तक लेके पूरा सर्कल नहीं बना देना है, और जो सर्कल शुरू किया था उधर हाफ सर्कल, तो बन गया 7। ऐसे ही बड़ा सा कर्व बनाएंगे, आधे में छोड़ देंगे, और ऊपर की तरफ हाफ सर्कल, तो बन गया 7। वेरी इजी नंबर, पर थोड़ा ध्यान से है ना। हम लोग ओ लिखते थे ना, ओ फॉर ऑरेंज ये लिखते थे है ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, गोल घुमाया, आधे तक लेके गए और छोड़ दिया। अभी जो ऊपर का भाग है जहां से लिखना शुरू किया था, ऊपर हाफ सर्कल बना दो, तो बन गया 7। फिर से एक बार ध्यान से सर्कल बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे, पर सर्कल को पूरा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बीच में, और ऊपर की तरफ हाफ सर्कल बना देंगे, तो बन गया 7। ऐसे ही आप लोगों को पूरा पेज लिखना है, बोलते जाओगे और लिखते जाओगे। अगर बोलोगे नहीं और लिखोगे तो आपको कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है, कुछ समझ नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी कोई लेटर या कुछ भी लिखना है तो उसको बोल बोल के लिखना है। तो आज क्या सीखा, नंबर 7। नंबर 7 उसको हिंदी में क्या कहेंगे, 7। नंबर 7 को हिंदी में क्या कहते हैं, 7। 7 को कैसे लिखना है, बड़ा सा कर्व बनाना है और ऊपर आगे की तरफ हाफ सर्कल, तो बन गया नंबर 7। क्या कहेंगे इसको, एक बार फिर से मेरे साथ बोलोगे और फिर उसको देख के अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है, या बुक में कॉपी करते जाओगे और पूरा पेज भर दोगे और उसको बोलते भी जाना है। क्या लिखा ये, नंबर 7। क्या कहेंगे इसको, 7।